मानो फिसलेगी और मुझे भी लेट डूबेगी। वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन। आज पूल डे का प्लान है तो उसकी तैयारी करते हैं। बेसिकली पूल डे का जो प्लान है वो मेरी फ्रेंड्स के साथ है। उनका न्यू पूल बना है तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है, तो हम सब साथ फ्रेंड्स जाएंगे पूल पे। एंड आई लेट यू गाइस टेक विद मी। अभी जो हम हैं ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर हम तैयार होते हैं। ब्रेकफास्ट में आई एम मेकिंग मैगी टुडे। फुलफिलिंग होते हैं फिर मुझे भूख लगेगी। ये देखिए ये इसकी बिल्ली है, प्यारी प्यारी सी। पूल जो है वो 30-40 मिनट्स दूर है यहाँ से, तो बस अभी हम तैयारी वगैरह करके यहाँ पे खड़े हैं। ये दूसरी गाड़ी आने का नाम ही नहीं ले रही। बच्चे तंग हो गए हैं बेचारे, छोटी छोटी माओ के बच्चे कॉल पे कह रहे हैं बस आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। फाइनली हम निकल चुके हैं नवाब, अभी पूल निकल पहुंचने वाले हैं। अरु नजर तो कौन क्या जन्ने नहीं लगा, पर तो भी कह रहे हैं ना भलू पे चढ़ जाते हैं। ओके सो फाइनली वी हैव रीच्ड। सो ब्यूटीफुल, बहुत मजेदार लग रहा है। अगर आपको यहाँ पे आना है तो कॉन्टेक्ट द फोटोज ऑन फेसबुक। अच्छा मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ अपने बारे में कि आई वॉज़ नॉट अ नेचर पर्सन। मुझे नेचर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, मैं बस कहती थी सिटी लाइफ हो। लेकिन जब से मैं वापस आई हूँ ना नॉर्दर्न एरियाज से, तो आई स्टार्ट लाइकिंग नेचर, तो बहुत मुझे प्यारी लग रही है आजकल। निकालने जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। चेंज करने स्कूल में जाने के लिए कपड़े तो दूसरे चाहिए। हिंदी में होया ना मुझे कपड़ा जो को चेंज करना से वो तो टाइम शेड्यूल है। कितने सब चेंजिंग कर रहे हैं, मैंने चेंज कर दिया है नहीं चल रहा। अब सब अपने बच्चों के पैंपर्स में लगे हुए हैं, तो बस मैं और मुश्तबा जा रहे हैं। लग रहा है बच्चों को मैं कैसे लेके जाऊँ, डूब ना जाए मुझसे। मानू भी आ गई है अभी फाइनली। ये लाइट दो। अरे क्या क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ। मानूर फिसलेगी और मुझे भी लेट डूबेगी। बाल बांध रही इनका इंसान है। मजा चीज हो नोट है। हेलो
रहे हैं मुझे वो ही आई मिस कर। फाइनली आ रही है अभी टनन टनन टनन। सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। पूल पे बच्चों को ना लाइएगा क्योंकि वो बहुत इरीटेट करते हैं, प्लस उनको पानी से इतना डर लगता है। लेकिन ये भी है कि उनका एक एक्सपीरियंस होता है, छोटे हैं तो ये देख देख के ना उसको उनको एक एक्सपोजर मिलता है, तो लाना भी ज़रूरी है लेकिन थोड़ी सी आपको तकलीफ होती है। स्विमिंग करते करते यहाँ पे सनसेट भी हो गया है, और क्या सनसेट का नज़ारा था यहाँ पे, इतना सूदिंग था, इतना रिलैक्सिंग था। वैसे टाइम टू टाइम मैंने सुना है कि इंसान चेंज होता है, लेकिन ये चीज़ देख के मैं खुद हैरान हो गई हूँ, क्योंकि जबकि मैं नॉर्दर्न एरिया से आई हूँ ना, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है नेचर में। वैसे इस दफ़ा तो हम फ्री में आए थे, लेकिन मैंने कहा मैं पेमेंट करके फिर से दोबारा यहाँ पर ज़रूर आऊँगी। अगर मेरी तरह आपको पानी अट्रैक्ट करता है ना, तो आप बैठ बैठ के आप कहेंगे फिर से मैं पूल में जाऊँ। यहाँ पर मेरी फ्रेंड और मैं यही डिसाइड कर रहे थे कि फिर से हमें चलना चाहिए। वैसे हम जब से पूल में थे ना, ये हमारा बहुत काम कर रही थी, हम पूल से निकले हैं तो इसने भी कहा कि मैं एंजॉय कर लूँ। सो ये बिल्कुल अकेली थी पूल में, फिर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया और इसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर दिया, और मेरी चोटी करने लग गई थी। आज जो है हेरा की जगह मैंने ले ली है, पर हेरा अगर कुछ ज़्यादा ही बोलेगी तो हेरा उससे आप लोग बेजार होने लग जाओगे। कभी कभी दूसरों की आवाज़ सुनना भी जो है मज़े आती है। पर हमारी हेरा आप सबको पसंद तो बहुत होगी, पर जो है आवाज़ कभी कभी किसी और की भी सुननी चाहिए। चलें मैं आपको अपनी बेटी दिखाती हूँ, मेरी डॉटर है छोटी सी। हेलो नया भाई, हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। भाई इसको भी बहुत शौक लगा हुआ है व्लॉगिंग करने का। चले मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट में मैं निकली हूँ यहाँ से, फसल है रात के टाइम पे हो रही है। हल्का हल्का कब बढ़ हर जी ना बने को। सो वी आर डन, खाना भी खा लिया, नाउ वी आर गोइंग फॉर अ चेंज। फिर से यहाँ पे अपनी शॉपर रखी थी फाउंड्री, यार इन्होंने मेरी शॉपर जो है आगे पड़ी हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी गाड़ी है मेरा है ना। यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं जब तक हम उठे हैं, तो बॉडी पेन हो गया है स्विमिंग कर करके। ये है नाजर, ये है ज़ारा। निकलने की फाइनली तैयारी है, ये सामान वगैरह भी है साथ में, गाड़ियाँ भी रेडी हैं, बस निकलने की जरूरत है। अच्छा तो ये व्लॉग यहीं एंड होता है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर।